उसाई की तरफ। होपफुली हमारा स्टॉप जो अगला होगा वो चिलम चौकी पे होगा, तो मिलते हैं चिलम चौकी। सफ़र के अख्ताम पे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इतना लंबा सफ़र मोटरसाइकिल पे करने के बाद थकावट तो नहीं हुई, तो मैं उनको जवाब देने के बजाय ये मनाजर दिखाना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या थकावट हो सकती है। अस्तोर से चिलम तक का ये सफ़र तकरीबन 60 किलोमीटर है और इसको तय करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए। जैसे जैसे सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि जैसे जन्नत की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे देवसाई करीब आता जाता है रास्ते की वहशत और रोब अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। हम चिलम चौकी पहुंच चुके हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजर है यहाँ के। चिलम पहुंचने के बाद एक रास्ता देवसाई की तरफ जाता है जबकि दूसरा मिनीमर्ग की तरफ। मिनीमर्ग इंतहाई खूबसूरत मकाम है और वहाँ पर मौजूद रेनबो लेक उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है, लेकिन मिनीमर्ग जाने के लिए आर्मी की परमिशन लेना ज़रूरी है क्योंकि वह पूरा एरिया आर्मी कंट्रोल्ड है। और हम शायद चले भी जाते अगर सदर साहब अपने अहलो याल के साथ वहाँ पर मौजूद ना होते तो। यह है देवसाई का एंट्री पॉइंट और यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एंट्री फीस देने के बाद अब देवसाई की तरफ रवाना हो सकते हैं। इस वक्त हम देवसाई पहुंचने वाले हैं, बल्कि पहुंच गए हैं और एक बाइक हमारी आगे चली गई है, दो बाइक पीछे आ गई। देवसाई एंटर होते ही सबसे पहले श्योसर लेक आती है, तो आप पहले श्योसर लेक के शशके देख के आएं। देवसाई के मैदानों में आप काला पानी, बड़ा पानी, शतुंग, अली मलिक से होते हुए सतपारा लेक पहुंचेंगे और जब सतपारा लेक आ जाए तो समझ जाएं कि सकरदू का आगाज़ हो गया। देवसाई के इन मैदानों को मैंने नाम दिया है द नेवर एंडिंग प्लेन्स ऑफ देवसाई और इन मैदानों से गुजरने में हमें 5 घंटे लगे। सतपारा लेक पे ढलते सूरज की आखिरी किरणों को अलविदा कहने का इत्तेफाक हुआ और रात की तारीकी में आखिरकार सकरदू पहुंच गए।